हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से बेहद इंपॉर्टेंट खबर लेकर के आ चुका हूं। जी हां, जिस परीक्षा का आपका सालों से इंतजार था, उस परीक्षा तिथि का अनाउंसमेंट UPSSC के द्वारा 28 तारीख के धरना से पूर्व ही कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ अभी बहुत सी भर्ती परीक्षाएं रुकी हैं, बहुत से भर्ती विज्ञापन रुके पड़े हैं और बहुत से रिजल्ट रुके पड़े हैं। इसको ध्यान में रखते हुए 28 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा और आप लोग सभी आमंत्रित हैं। लेकिन जो इसी बीच ये UPSSC के तहत दो इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किए गए हैं। जी हाँ, राज्य उत्पादन मंडी परिषद की भर्ती को लेकर के जो 2018 में विज्ञापन आया हुआ था और 2016 यानी पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल की एक भर्ती को लेकर के भी नोटिस अभी आयोग के द्वारा जारी की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें ताकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ साथ लोक सेवा आयोग प्रयागराज RRB NTPC और RRC ग्रुप बी के साथ उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की प्रत्येक महत्वपूर्ण खबर आप तक राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से पहुँचाया जा सके। तो चलिए देखते हैं खबरों में यहाँ से जो दो इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया, आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 5/2018 और विज्ञापन संख्या 26/2016 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक की भर्ती को लेकर के, यानी इन दोनों भर्तियों के संबंधित जो टाइपिंग टेस्ट था, जिनका स्किल टेस्ट था, उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। नोटिस यहाँ पर है। पहले बात करेंगे मंडी परिषद की टाइपिंग को लेकर के। यहाँ से देख सकते हैं आयोग के विज्ञापन, आज ही की नोटिस है, 22 दिसंबर की है। आयोग की विज्ञापन संख्या 5/2018 राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में आपको इंपॉर्टेंट चीजें की तरफ लेकर के बढ़ता हूँ। उक्त कैरे में आशु लिपि, कनिष्ठ सहायक समान चयन, कनिष्ठ सहायक विशेष चयन के संपन्न लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चयन की आशु लिपि व टंकर परीक्षा हेतु आहत पाए गए 261 अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थियों की उक्त परीक्षा दिनांक 12 जनवरी 2021 को आयोजित की जाएगी। संबंधित अभ्यर्थियों को अगले चयन की आशु लिपि व टंकर परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र तिथि व पाली के संबंध में आयोग की वेबसाइट UPSSC.gov माध्यम से यथासमय सूचित किया जाएगा। उत्तर परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। तो 12 जनवरी का जो कनिष्ठ सहायक आशु लिपिक एवं कनिष्ठ सहायक विशेष चयन समान चयन दोनों मिलाकर के, जिनका जो राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद भर्ती को लेकर के आए थे विज्ञापन संख्या 5, उनका 12 जनवरी को स्किल टेस्ट कराया जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग कनिष्ठ सहायक भर्ती विज्ञापन संख्या 26/2016 को लेकर के। ये नोटिस जारी की गई है, आप देख सकते हैं आज ही की डेट में 22 दिसंबर 2016 है ना। कितने 4264 अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए कॉल किया गया था, 536 पदों के सापेक्ष अप्राय कार्डों से स्थगित किया गया था। आपको पता होगा जो ये नोटिस 16 मार्च को जारी की गई थी 2020 में। अब बात करेंगे, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक 12 जनवरी को राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसके ठीक एक दिन बाद 13 जनवरी से 4264 अभ्यर्थियों को परीक्षाएँ कराई जाएंगी, टाइपिंग टेस्ट कराई जाएगी, जो 23 जनवरी 2021 तक चलेगी। यानी टोटल 10 दिन से 11 दिन मिला करके आपकी ये परीक्षाएँ कराई जाएंगी, जो समान चयन पर कनिष्ठ सहायक भर्ती कनिष्ठ लिपिक भर्ती विज्ञापन संख्या 26/2016 को लेकर के। तो ये दो बेहद इंपॉर्टेंट नोटिस सभी छात्रों के लिए। बात किया जाए तो स्पेशल अगर 4400-4500 छात्रों की संख्या बन रही है इसमें, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। लेकिन हमारा धरना प्रदर्शन 28 तारीख को आयोजित किया जाएगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सम्मिलित होने की पूरी कोशिश करें। ये खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।